हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी वेदा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, स्टैटिक जीके का, जो एसएससी में एक क्वेश्चन जिससे हमेशा आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका स्टेनो हो या आपका एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एक से दो क्वेश्चन आपके इससे आते ही हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी से हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको हर इंडिया की सारी स्टेट्स के नेशनल पार्क्स और बर्ड सेंचुरी जो इम्पॉर्टेंट हैं वो बताने वाली हूँ। देखिए, मैं इसमें से ये सेवन जो हमारी सात बहने वाली हैं स्टेट्स, इनको छोड़कर आज बाकी के पार्ट की बताऊँगी, इनकी अलग से बताऊँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होती है याद करने के लिए और इनको थोड़ा स्पेशल कंसंट्रेशन चाहिए। बाकी के सभी पार्ट्स का मैं आज यहीं पर बताऊँगी, सारी स्टेट्स का। तो सबसे पहले हम आते हैं जम्मू कश्मीर पे। देखो, सबसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर, इसमें कौन कौन से हैं आपके, तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढचिंगम नेशनल पार्क। ढचिंगम नेशनल पार्क आपका कश्मीर में है। फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपका जम्मू कश्मीर में, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी आपका जम्मू कश्मीर में। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछ चुकी है, बैंक में भी बहुत बार पूछते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। देखिए, ये सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। अभी मैं आपको सलीम अली का कुछ और भी बताऊंगी नीचे, लेकिन अभी आप यहीं पर इसको समझ लीजिए। तो कौन कौन से चार हैं, ढचिंगम, किश्तवाड़, हेमिस और सलीम अली, ये आपके जम्मू कश्मीर में थे। अब इसके बाद अगला किस पे आते हैं हम, अगला हम आ जाते हैं आपका हिमाचल प्रदेश पे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं आपके, हिमाचल प्रदेश में एक तो आपके हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है एक, और एक है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पिन वैली नेशनल पार्क। ये दो इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे और हैं लेकिन इंपॉर्टेंट वाले ले रही हूँ मैं सिर्फ, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं सारे प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो या और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो जैसे कि टीचिंग के, वो सारे मैंने इंक्लूड करे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम अगले किस पे आएंगे, अब अगला हम आएंगे यहाँ पर, देखिए नीचे पंजाब पे आएंगे। तो ठीक है, फिर पंजाब में देखते हैं क्या क्या थे। पंजाब से पहले हम उत्तराखंड देखते हैं यहाँ पे, चलो पंजाब ही देख लेते हैं। पंजाब में है अबोहर वन्य जीव अभयारण्य, अबोहर, ABOHAR, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य, ये पंजाब में है। उसके बाद हम उत्तराखंड में देखते हैं, उत्तराखंड में क्या है आपके, पहला है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा जिम कॉर्बेट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बंगाल के टाइगर के लिए है और सबसे पुराना भी है भारत का ये राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है नंद देवी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद क्या है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और आखिरी में क्या है गोविंद पशु विहार। तो ये कितने सारे हो गए, देखिए पहला कौन सा था गोविंद पशु विहार, दूसरा जिम कॉर्बेट, तीसरा राजा जी, चौथा नंद देवी, पांचवा गंगोत्री और छठा गोविंद पशु विहार। तो ये सारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बहुत सारे आपके उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब ये होने के बाद अब देखिए, हमारा हमने अपना पंजाब कवर कर लिया, उत्तराखंड कवर कर लिया, अब हमारे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, अब इन सबको देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद हरियाणा था, हरियाणा में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है बहुत बार एग्जाम में। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से इंपॉर्टेंट हैं हमारे, पहला है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, दूसरा है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है दूधवा नेशनल पार्क, और तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभयारण्य जो है पीलीभीत, वो भी है यहीं उत्तर प्रदेश में। अब अगले पे हम आते हैं राजस्थान, राजस्थान में हमारे क्या क्या हैं, राजस्थान में हमारे एक तो है भरतपुर पक्षी अभयारण्य यानी कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी, फिर है हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का का है, उसके बाद रणथंबोर है, फिर है घाना कालेदियो का घाना बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी अभयारण्य, फिर है मुकुंद्र हिल्स टाइगर, टाइगर हिल्स भी यहाँ पर है मुकुंद्र की, उसके बाद माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है माउंट आबू पे। तो राजस्थान में ये सारी हैं हमारी, कौन कौन सी एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, भरतपुर, सरिस्का, रणथंबोर, घाना, मुकुंद्र और माउंट आबू, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, आप इन्हें याद कर लीजिए। उसके बाद अगला मध्य प्रदेश पे आते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं हमारे, देखिए पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा गांधी सागर, चौथा बांधवगढ़ और पाँचवा संजय डूबरी जो कि टाइगर्स के लिए है।
यानी कि बाघों के लिए है। तो कौन कौन से हैं, रिपीट कर रही हूँ, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, गांधी सागर, बंधवगढ़, संजय डूबरी टाइगर रिजर्व, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। अगले पे आते हैं गुजरात पे आते हैं। गुजरात में देखिए गिर, गिर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस भी है। गिर नेशनल पार्क आपका जो है, एक आपका वाइल्ड एस के लिए है, और तीसरा आपका गुजरात में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है और अलग चीज़ यहाँ पर है, वो है मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कच्छ में है ये, मरीन एनिमल जो हमारे समुद्री जीव है उनके लिए। तो यहाँ पर एक गुजरात में मरीन नेशनल पार्क है, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला किस पे आते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या क्या है हमारे जो इम्पोर्टेंट है, अचानकमर सेंचुरी, देखिए अचानकमर बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा इंद्रावती है, तीसरा सीता नदी। सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारे यहाँ पर है, इंद्रावती भी, और अचानकमर सेंचुरी, ये तीन यहाँ पर हैं इम्पोर्टेंट, इनको याद रखें। अगला हम आते हैं बिहार पे। बिहार में कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा वाल्मीकि, और एक और है भीमबंध। तो कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध, वाल्मीकि और भीमबंध, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम अगले पे आते हैं झारखंड। झारखंड में हमारा कौन सा टाइगर बाघ का अभियान है पलामू, पलामू वो टाइगर उद्यान हमारा यहाँ पर है। अगले पे आते हैं गोवा। गोवा में कौन कौन से हैं हमारे, देखिए अब सलीम अली पक्षी अभयारण्य, मैंने आपको जम्मू कश्मीर में क्या कहा था, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर है और पक्षी अभयारण्य गोवा में है, ये डिफरेंस याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में दोनों ऑप्शन दे देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे चिड़िया के लिए है और ऊपर वो सारे ही जानवरों के लिए था राष्ट्रीय उद्यान, तो अब इसलिए इसको कंफ्यूज ना हो, वहाँ पर वो नेशनल सेंचुरी था, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर ये क्या है, बर्ड सेंचुरी, और दूसरा यहाँ पर क्या है, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेव के नाम से गोवा में है आपके ये उद्यान। अब अगले पे आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है आपका, उड़ीसा में देखिए एक तो चिल्का लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून जिसे बोलते हैं, आजकल पेपर में हर टाइम ये इसका जिक्र होता रहता है और क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में। तो चिल्का लेक है, दूसरा नंदाकनन है, तीसरा सिमली फाल है, चौथा भटारनिका है, पांचवा कौन सा है, सतकोसिया, और छठा कौन सा है, चुलचुली वन्य जीव अभयारण्य। तो ये उड़ीसा में बहुत सारे आपके अभयारण्य हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, नंदाकनन, सिमली फाल, भटारनिका, सतकोसिया, चुलचुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अगले पे आते हैं मुंबई। हमारे मुंबई में कौन से हैं, पहला है धमपुर लेक और दूसरा है संजय गांधी नेशनल पार्क, पहले इसको बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते थे लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर संजय गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगले पे आते हैं बंगाल। बंगाल में हमारे कौन से हैं, देखिए पहला है सुंदरबन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हमारा है, दूसरा है कौन सा है, जल्दापारा, तीसरा बक्सा, बक्सा जो कि बाघों के लिए है, चौथा कौन सा है, नियोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा कौन सा है, गोरुमारा। तो ये सब हमारे बंगाल में है, दोबारा से बोलती हूँ, पहला सुंदरबन, दूसरा जल्दापारा, तीसरा बक्सा टाइगर, चौथा नियोरा, और पांचवा कौन सा है, गोरुमारा। तो ये हमारे बंगाल में है। अगले पे आते हैं कर्नाटका। देखिए मैप में दिखाती हूँ अगर कंफ्यूजन है थोड़ा सा कहाँ पर है ये। देखिए हमने मध्य प्रदेश भी कवर कर लिया अपना, झारखंड कर लिया, पंजाब कर लिया, छत्तीसगढ़ कर लिया, उड़ीसा कर लिया, और इधर ये हमने मुंबई महाराष्ट्र भी कर लिया है। अब हमारे कौन से बचे हैं, देखिए कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, अब ये नीचे वाले पार्ट बचे हैं, अब इनके बारे में देखते हैं। जस्ट ए सेकेंड। हाँ फ्रेंड्स, अब कर्नाटका पे आ गए हम। कर्नाटका में कौन कौन से हैं, देखिए पहला कौन सा है, बंदीपुर, फिर दूसरा कौन सा है, बनेरघट्टा, बंदीपुर बनेरघट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर तीसरा भद्रा, चौथा डंडेली, पांचवा नगरहोल, छठा कौन सा है आपका, पूछागिरी, और सातवां कौन सा है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यहाँ पर कर्नाटका में भी आपके बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनमें से कुछ के नाम जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए, दोबारा बता रही हूँ, बंदीपुर, बनेरघट्टा, भादरा, दंदेली, नगरहोल, पूछागिरी, अंशी नेशनल पार्क। अब तमिलनाडु पे आते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, पहला है मधुमलाई, दूसरा है अन्नामलाई टाइगर के लिए है जो, तीसरा वेदांग थंगल, और चौथा है पलानी।
तो अन्नामलाई का ही पहला नाम इंदिरा गांधी था, अब चेंज करके अन्नामलाई कर दिया है। तो कौन कौन से हैं? मुदुमलाई, अन्नामलाई, वेदांथंगल और पलानी, ये आपके तमिलनाडु में थे। अगले पे आते हैं केरला। केरला में हमारे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करते हैं। पहला है पेरियार, दूसरा है परम्बिकुलम, तीसरा कुमाराकोरम, चौथा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा कौन सा है? थट्टेकड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थट्टेकड़ भी बहुत पेपर में आ रहा है। पेरियार तो बहुत ही ज़्यादा आता है, इसको याद करें। देखिए केरला के जो भी नाम है वो कुछ इस तरह से होंगे, पेरियार नदी भी वहाँ पर है, तो पेरियार से ही पेरियार बिकुलम बना है वहाँ पर, और परम बिकुलम भी बना है, इराविकुलम, अरालम, कुमारोकोरम, साइलेंट वैली, थट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी, तो आप इनको याद करें। आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश में एक ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी रहता है, पुलिकेत लेक बर्ड सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका किस में है? आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों मैंने इस तरह से आपको हमारे इंडिया की इस तरफ की सभी स्टेट्स के मैंने आपको ये राष्ट्रीय उद्यान बता दिए, सिर्फ ये सात बहनों के, सेवन सिस्टर्स को छोड़े हैं, जो मैं कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं इस तरह से आपके स्टेटिक जीके के कुछ पार्ट्स कवर करूंगी, जैसे कि नृत्य, कौन कौन से बांध हैं, डैम्स इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क, और ये बता दिए, कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आपकी आती हैं वो उनको एक एक जगह छोटी छोटी वीडियोस में बताती रहूँगी, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें इसको, और अपने कमेंट करें कि अगर आप इसमें चाहते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए स्टैटिक में, मैं उन सबको कवर करूँगी। प्लीज़ लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे मोटिवेशन चाहिए, मैं बहुत कुछ आपके लिए प्लानिंग करके लेके आती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अब मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।